असल डी एस आई एफर एस फिफ्टी रेवन्यू फ्राम कॉन्ट्रैक्ट विध कस्टमर में सिर्फ दो क्वेश्चन डिस्कस करने हैं एक क्विक किस्म का आप कह लें रिवीजन बेसिकली आई एफर एस फिफ्टीन में मुझे जो एरिया थोड़ा सा डिस्कस करना है दैट इज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली तीन पॉसिबिलिटीज हैं नंबर वन आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होती है हर चीज़ बिल्कुल सही है उस कॉन्ट्रैक्ट में आपको प्रॉफिट होगा इस तरह की अगर बातें तो आपने बेटा एक काम करना है परसेंटेज ऑफ कम्पटिशन निकालनी है जिसका तरीका एग्जामर आपको बताएगा उस परसेंटेज ऑफ कम्पटिशन को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस से तो रेवेन्यू की वैल्यू आ जाएगी भैया रेवेन्यू की वैल्यू आ गई जो भी कॉस्ट टू डेट होगी उसको माइनस कर देंगे तो आपके पास प्रॉफिट का अमाउंट आ जाएगा सेकेंड अगर आप एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो जाते हैं कि देन यू रियलाइज आफ्टर बिकमिंग अ पार्टी टू दैट कॉन्ट्रैक्ट केयर आउटकम्स कोई रिलायबली मेजर नहीं हो पा रहे भाई आउटकम्स uh, इतने आराम से हम रिलायबली मेजर नहीं कर पा रहे तो आप एक काम करो जो भी कॉस्ट कॉस्ट टू टू डेट डेट है है जो भी आपकी है, उतना ही रेवेन्यू रिकॉर्ड करो ना प्रॉफिट आएगा ना लॉस आएगा इसकी इंटरप्रिटेशन फिर ये ली जाती है जो कॉस्ट टू डेट है उतना ही बेसिकली आपका क्या होगा अमाउंट रिकवरेबल है तीसरी पॉसिबिलिटी अगर आप एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हैं जो एक लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर आप परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन जरूर निकालेंगे और परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करके रेवेन्यू की वैल्यू लाजमी कैलकुलेट करेंगे लेकिन पहले ही साल में ना सारे का सारा पहले ही साल में सारे का सारा लॉस आपको रिकॉर्ड करना होता है तो ये तीन पॉइंट्स है भाई क्विकली मैंने बता दिए अब इसको अगर आप जल्दी से देख लें वो कह वगैरह व्हाट अमाउंट ऑफ द रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ सेल कॉस्ट एंड प्रॉफिट शुड बी रिकग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल आपने बताना भी कितना रेवेन्यू है कितना प्रॉफिट आना चाहिए एस्टिमेटेड स्टेज ऑफ कंप्लीशन उसने खुद बता दिए सिक्सटी परसेंट तो आप एक काम करें रेवेन्यू का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का सिक्सटी परसेंट लेट मी यूज अ कैलकुलेटर अगर मैं एट हंड्रेड थाउजेंड का सिक्सटी परसेंट ले लेता हूं तो ये फोर लाख एटी थाउजेंड आता बेटा कॉस्ट टू डेट माइनस कर दें जो थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड है तो ये आपके पास एक प्रॉफिट का अमाउंट आ जाएगा ये पार्ट ए की बात हो रही है अब अगर मैं फोर एटी में से थ्री ट्वेंटी माइनस कर देता हूं तो मेरे पास प्रॉफिट का अमाउंट आता है वन लाख सिक्सटी थाउजेंड स्ट्रेट फॉरवर्ड ठीक है जी अब अगली चीज

आप रेवेन्यू को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कॉस्ट टू डेट के इक्वल तो पार्ट बी में आप क्या करेंगे भाई ये देख पार्ट बी में बेटा आपका जो रेवेन्यू होगा वो कॉस्ट टू डेट के बराबर हो जाएगा कॉस्ट टू डेट आपकी कॉस्ट टू डेट है थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड इतना ही रेवेन्यू ले लेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस प्रेजेंटेशन देखनी है भाई ये ले प्रेजेंटेशन सिंपल ये रेवेन्यू आ गया आपके पास कॉस्ट आ गई प्रॉफिट और ये पार्ट सिंपल अब एक और इसका क्वेश्चन करते हैं थोड़ा मुनासिब तरीके से एक्चुअली जब आपके पास क्वेश्चन आता है है तो आपको सबसे पहले करना ही होता ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट को चेक करना होता है कि यार प्रॉफिट है या लॉस है क्योंकि लॉस है तो एज एन अर्लियर आपको पहले ही साल में हंड्रेड परसेंट सारा लॉस रिकॉर्ड करना पड़ता सेकेंड स्टेप में हम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालते हैं थर्ड स्टेप के अंदर हम पी के लिए वर्किंग करते हैं और फोर्थ में हम बेसिकली एफ में बता देते हैं यार कि बस कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट है है या कोई है उसका बता देंगे तो चेक करते हैं एक और क्वेश्चन के थ्रू अच्छा इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इसमें थोड़ा मुनासिब तरीके से हर चीज मिल जाएगी कैलकुलेट दी इफेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अपॉन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ हार्ड फ्लोर कंपनी

वर्क सर्टिफाइड टू डेट है आपका जो वर्क सर्टिफाइड टू डेट है आप उसको सिंपली डिवाइड कर दें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से तो आपके पास परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आ जाएगी तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन में वो कह रहा है भाई जो वर्क सर्टिफाइड है टू डेट उसको डिवाइड कर दें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से तो आपके पास परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आ जाएगी अच्छा मिसाल के तौर पर अगर आप एक मिनट के लिए अच्छा सबसे पहले मैंने कहा था स्टेप वन में आप एक काम करें ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट चेक कर लेंगे प्रॉफिट है लॉस है क्योंकि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में लॉस आ रहा है तो बेटा आपको सारे का सारा लॉस पहले ही साल रिकॉर्ड करना पड़ता है तो स्टेप वन में आप बेसिकली करें क्या ओवरऑल देख लें जी ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो हम बस तीन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जे के एन एल तीन जो इग्नोर कर देते हैं सिंप्लिसिटी के लिए अब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अगर आप चेक कर लें तो इसकी प्राइस है 416 कॉस्ट टू डेट है हमारे पास 270 और कॉस्ट टू कंप्लीट है 90 तो ये ले कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ले ली मैंने बेटा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी 416 कॉस्ट टू डेट है 270 सेवेंटी कॉस्ट टू डेट 270 है और कॉस्ट टू कंप्लीट कॉस्ट टू कंप्लीट कॉस्ट टू कंप्लीट अगर आप देखें तो नाइनटी है चेक कर लेंगे क्या फाइनल आता है के पे आए बेटा के में जो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो सिक्स एटी फोर है कॉस्ट टू डेट है आपके पास फोर फोर्टी और के में कॉस्ट टू कंप्लीट है आपके पास अच्छा ये कॉन्ट्रैक्ट एल को अगर आप देखें तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थ्री हंड्रेड है कॉस्ट टू डेट अगर आप देखें तो ट्वेंटी है और मजीद जो पैसा लगेगा दारेस टू ट्वेंटी अब बेटा अगर आप कैलकुलेटर यूज करें फोर वन सिक्स में से अगर मैं माइनस कर दू टू सेवेंटी माइनस कर दू नाइनटी तो मेरे फिफ्टी सिक्स आ रहा है टोटल प्रॉफिट तो मेरे टोटल प्रॉफिट आ रहा है जी और अगर कॉन्ट्रैक्ट एल की बात करें तो थ्री हंड्रेड में से ट्वेंटी माइनस कर दें और टू ट्वेंटी माइनस कर दें तो आई एम गेटिंग टोटल प्रॉफिट सिक्सटी एक चीज तो क्लियर होगी कि तीनों की तीनों जो प्रोजेक्ट्स हैं प्रॉफिटेबल है यानी पे वो वाली कहानी नहीं आएगी किसी प्रोजेक्ट में लॉस आ रहा है अगर लॉस आता के अंदर तो हम सारे का सारा लॉस पहले साल ही रिकॉर्ड कर लेते हैं निकाल लेते हैं जो कि उसने खुद हमें बताया तरीका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन अब सबसे पहले जे की बात करते हैं वर्क सर्टिफाइड को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से आपने डिवाइड करना है डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो हमें पता है 416 है वर्क सर्टिफाइड हमें देखना पड़ेगा बेटा वर्क सर्टिफाइड है 312 अप टू बी वेरियनस अगर आप 312 को 416 से डिवाइड करें और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो मेरे पास 312 एज़ अ परसेंटेज ऑफ 416 जो आता है ये 75% आ रहा है आपको थोड़ा सा अपना कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा आप के की बात करें के में बेटा जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो हमें पता है 684 है वर्क सर्टिफाइड देखना पड़ेगा के में वर्क सर्टिफाइड कितना है वर्क सर्टिफाइड है 456 वर्क सर्टिफाइड है हमारा 456 अगर मैं 456 को 684 से डिवाइड मतलब 456 सिक्स अ परसेंटेज ऑफ 684 जो आपके पास लेता है वो 66 .66, तो 66 ले लेते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट एल की अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट एल की जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो 300 है वी नीड वर्क सर्टिफाइड अब कॉन्ट्रैक्ट एल में अगर आप देखें तो वर्क सर्टिफाइड है ही नहीं हमारे पास अगर वो वर्क सर्टिफाइड ही नहीं है तो हम परसेंटेज ऑफ कम्पलीशन नहीं निकाल सकते अगर हम परसेंटेज ऑफ कम्प्लीशन नहीं निकाल सकते तो हमें एक काम करना पड़ेगा जो भी कॉस्ट टू डेट है उतना ही रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे दैट्स इट क्योंकि इतना तो हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्ट एल जो है प्रॉफिटेबल है लॉस मेकिंग नहीं है तो एल में बेसिकली हमें सिर्फ एक काम करना पड़ेगा जो रेवेन्यू उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कॉस्ट टू डेट तक बस और सब ठीक है भाई इसके अलावा सब बातें ठीक है अब अगर मैं जल्दी से स्टेटमेंट ऑफ पी आपको बता दो पीएनएल में क्या हो रहा होगा भाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस की अगर बात करें तो तीन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हमारे बस J K N L अगेन हम तीन जीरो को इग्नोर कर देते हैं अब बेटा जो रेवेन्यू है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बेसिकली मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन से जो भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है जैसे J में हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी J के अंदर हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है बेसिकली आसान कर लेते हैं

सिंस हमने परसेंटेज ऑफ वैल्यू वर्क सर्टिफाइड की बेसिस पे निकाली है तो ऑल वी नीड जो आपका वैल्यू वर्क सर्टिफाइड है वो फोर फिफ्टी सिक्स है एल तो के, के, तो के अंदर थोड़ा सा मसला है, कि नहीं है। इसलिए हमें एल के अंदर क्या करना पड़ेगा रेवेन्यू को कॉस्ट टू डेट तक रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा तो कॉस्ट ऑफ सेल ले लेंगे जो कि कॉस्ट टू डेट होगी कॉस्ट ऑफ सेल से बेटा ये ले लें टू सेवेंटी फोर फोर्टी एंड ट्वेंटी एंड ट्वेंटी और एल के अंदर क्योंकि आउटकम समय फिलहाल नजर नहीं आ रहे रिलायबली रिलायबली तो रेवेन्यू को कॉस्ट टू डेट पर रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा तो आपके पास समझे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा जीपी आ जाएगा

स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन अगेन जे के एल ले लेंगे भाई तीन जीरो इग्नोर कर देते हैं हमें रेवेन्यू टू डेट देखना है और लेस कर दें टू डेट दे रेवेन्यू देख लें टू डेट तक कितना आज तक और लेस कर देंगे इसमें से इन वॉयस टू डेट रेवेन्यू टू डेट हमें पता है वैल्यू वर्क सर्टिफाइड के बराबर है थ्री वन टू 456 और यहाँ पे हमने रिस्ट्रिक्ट किया था 20 पे अब लेस कर दें इनवॉइस टू डेट जो कि एग्जामिनर ने आपको बताया होगा लास्ट में प्रोग्रेस पेमेंट बेटा 250 या 380 यहाँ कुछ भी नहीं मांगा हमने 250 एंड 380 250 एंड 380 तो बेटा अगर मैं 312 में से 250 माइनस करूं तो मुझे 62 मिलता है 456 में से 380 माइनस करो हम गेटिंग 76 एंड 20 ये सिंपली आपके पास आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट एसेट तो बेटा बहुत ही आराम सुकून से बेसिकली आपने क्या किया अह पीएनएल एसओएफबी सब के एक्सट्रैक्ट्स बना लिए दैट्स इट तो ये बेसिकली बहुत से बच्चों की क्वेरीज थी जो मैंने कहा चलें डिस्कस कर लेते हैं और इसको आप बेसिकली हमारे YouTube के चैनल पे कुछ बच्चे देख रहे होंगे उसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूँ अगर हम बात करते हैं ए एस अकाउंटेंसी की बात करें तो बेटा यहाँ पे आपको सारे के सारे पेपर्स की क्लासेस मिलेंगी सारे आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे इनक्लूडिंग टेस्ट है जी हमारे पास ठीक है प्लस डेडिकेटेड मॉक्स है हमारे पास प्लस अगर मैं थोड़ा सा और ऊपर जाऊं तो बेटा याद रखिएगा हमारे पास टी एक्स का जो पेपर है उर्दू इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है ए टी एक्स एस बी आर ए एफ एम उर्दू इंग्लिश सब में अवेलेबल है तो एस ए का जो व्हाट्सएप नंबर है प्लस नाइन टू ट्रिपल थ्री थ्री ट्रिपल सिक्स टू वन फोर आप एस सी के एडमिन को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मैं पर्सनली आपको मुझसे टी एक्स उर्दू साथ में आप इसे हिंदी भी कह रहे जी हिंदी एंड इंग्लिश मिलेगा आपको एफ आर आपको बेटा उर्दू एंड स्लैश हिंदी में मिलेगा एफ एम की बात करें जी एफ एम आपको उर्दू एंड हिंदी में मिलेगा ये मैं पर्सनली ख़ुद ही पढ़ा रहा होता हूँ अगर मैं पी एम की बात करूँ परफॉर्मेंस मेजरमेंट की तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में बेसिकली आपको उर्दू हिंदी दोनों में मिलेगा हमारे पास इसके बाद अगर मैं एस की बात करता हूँ तो दिस इज अवेलेबल इन उर्दू हिंदी एंड इंग्लिश में भी अवेलेबल है ए टी एक्स उर्दू हिंदी एंड इंग्लिश एफ एम की अगर हम बात करें तो ये आपको उर्दू हिंदी एन इंग्लिश एन जी सब में मिलेगा अगेन व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं जी डबल जीरो नाइन टू ट्रिपल थ्री थ्री ट्रिपल सिक्स टू वन फोर आप एस की एडमिन को कांटेक्ट कर सकते हैं बाकी बेटा पोजीशंस की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने भी पेपर्स पढ़ाए सब में अलहमदुल्ला हम पोजीशन होल्डर्स प्रोड्यूस कर चुके हैं बाकी मैंने आपको कहा आपको हमारे पास ट्रिपल ए भी मिलेगा डबल ए भी मिलेगा सारे पेपर्स मिलेंगे और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अच्छे टीचर्स से मिलेंगे इन स्टिल आपकी कोई क्वेरीज हो तो मोर देन वेलकम आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एडमिन से सवाल पूछ सकते हैं मुझसे पूछ सकते हैं तो सिंपली बेटा दैर इज ऑल अबाउट टू वीडियो थैंक्स लॉर्ड जी असल